नमस्कार सम्मानित मान कृषि विज्ञान केंद्र के पूरी टीम, सभी किसान भाई किसान महिलाएं और कृषि छात्र, आप सभी का यहां पहुंचने पर हार्दिक अभिनंदन, हार्दिक स्वागत। बात चल रही है प्राकृतिक खेती की, जैविक खेती की। बहुत सारे किसान हैं हमारे इस चीज के बारे में जानते हैं, पर समस्या ये आती है कि उस चीज को पूरी तरह से इम्प्लीमेंट नहीं कर पाते। और किसानों की बहुत सारी समस्याएं हैं, उन समस्याओं के ज्यादातर जिम्मेदार जो है वो खुद किसान है। क्या किसान भाई इस चीज को मानते हैं कि नहीं मानते, पहले तो ये बताइए। खेती बाड़ी से जो भी समस्याएं है आपकी, उसके ज्यादातर जिम्मेदार हम खुद हैं, यानी कि हम किसान हैं। कहां तक सहमत है आप, सहमत है या नहीं है बताइए। कैसे सहमत है आप, क्या क्या कमियां रहती है आपके स्तर पे बताएंगे थोड़ा। कौन करता है उसको असंतुलित उर्वरकों का प्रयोग, बताया आपने, करता कौन है उसका प्रयोग, खुद किसान ही कर रहे हैं। वजह क्या है, क्यों करते हैं जी आप असंतुलित उर्वरकों का प्रयोग, बहुत बड़ी बात बताई आपने। पीछे से एक आवाज आई है कि ज्ञान नहीं है, जानकारी नहीं है, बहुत अच्छी बात बताई है। सबसे बड़ी कमी यही है कि जानकारी नहीं है, और जानकारी लेनी किसको है, तो कब लेंगे, आज एक दिन में आप जानकारी ले लेंगे। अपनी पीढ़ियां गुजर गई, अपने बाप दादा परदादा सब खेती करते आ रहे थे, और आज तक हमने सिर्फ और सिर्फ खेती के बारे में ABC यानी कि शुरुआती जो ज्ञान है उसके बारे में भी नहीं सीखा अभी तक हमने। और कोई कृषि विज्ञान के अंदर के कुछ टीम, कुछ वैज्ञानिक अगर अपने को समझाने की कोशिश भी करते हैं, कृषि विज्ञानी कुछ बताने की कोशिश भी करते हैं, तो हम इग्नोर कर देते हैं, छोड़ो पर इनका तो काम यही है बताना, अगर खेत में आएंगे तो पता चलेगा। ऐसी बात नहीं होती। आप में से कितने लोगों ने, किसानों ने अपने खेत की मिट्टी की जांच करवाई है, सही सही बताइएगा, हाथ उठाइएगा। बस 30-40 लोग, बस इतने लोग ही खेती करते हैं क्या, और आपने मिट्टी की जांच करवाई, आपने माइक दीजिएगा प्लीज इनको। हम आपकी बात समझने की कोशिश करें, क्या बोल रहे हैं आप, माइक में बोलिएगा थोड़ा पता चले। मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि जो टाकड़ा के आसपास के काश्तकार हैं वो तो करीब करीब मिट्टी टेस्ट करवाया है, बाहर के काश्तकार वो कोई नहीं लेके आया, कोई भी नहीं है। बाहर के काश्तकार काश्तकार नहीं है क्या, है तो किसानी से है ना, खेतों से जुड़े हुए है ना अपने, बात तो ये कर रहे हैं। मैं किसी एक किसान को लेके बात नहीं कर रहा हूँ, एक किसान ने मिट्टी की जांच करवाई है या नहीं करवाई है। चलिए एक मिनट, आपने चलिए जांच करवाई है, तो दूसरा ये बताइए कि जो रिपोर्ट आई है क्या आप उसके अनुसार चले, फिर पक्का चले हैं। क्या क्या कमियां थी, क्या कमियां थी मिट्टी में आपकी, मिट्टी में कमी थी, खाद बीज की कमी थी, खाद बीज की नहीं, देखो यहाँ तो समस्या आती है। चलिए थैंक यू, बैठिए आप, कोई बात नहीं, मैं समझ गया जो आप बताना चाह रहे हैं। एक सबसे बड़ी बात होती है कि ज्ञान हमें किसी चीज का लेना चाहिए, सीखना चाहिए, और वो सीखेगा वही आदमी जो उससे जुड़ा हुआ है, बाकी को कोई लेना देना नहीं है। कृषि विज्ञान के अंदर के जो वैज्ञानिक है इनको सीखना है कि अपने को खेती बाड़ी किस ढंग से करवाते हैं, तो वो उस चीज के बारे में खुद पढ़े लिखे हैं, खुद उनको ज्ञान है, प्रैक्टिकल करके अपने को दिखाते हैं। और कुछ सीखने की उम्र होती है, वैसे तो उम्र भर आदमी सीखता रहता है, पर यह मतलब नहीं है कि आप 70-80 साल तक सीखते रहो और उसको इंप्लीमेंट नहीं करो। मतलब ये कि जैसे कोई टीचर बनता है तो वो कोई 60-70 साल की उम्र में जाके बनता है क्या, 25-30-35 साल की उम्र होती है, कोई इंजीनियर बनता है, कोई डॉक्टर बनता है, 25-30-35 साल में बन जाता है, यानी कि ज्ञान ले लेता है और फिर उस ज्ञान को इम्प्लीमेंट करता है, लागू करता है वहां पे, कि हम उस ज्ञान को काम में ले। पर हमारी तो पीढ़ियां गुजर गई, हमें अभी तक ये पता नहीं है। अभी यहाँ पे डॉक्टर गुप्ता जी ने बताया था कि मिट्टी में जैविक कार्बन को बढ़ाना बहुत ज्यादा जरूरी है, सबसे प्राथमिक जरूरत हमारी है मिट्टी में जैविक कार्बन को बढ़ाना,
उसका जो पीएच लेवल है उसमें सोरे की जो मात्रा है उसको मेंटेन करके रखना, यानी कि 6.5 से 7.5 तक ही होना चाहिए, उससे ज्यादा ना हो। किसी भी पौधे को उगने से लेकर पकने तक कितने पोषक तत्वों की जरूरत पड़ती है किसानों में से बताएं कोई? 18 की देते कितने हो? देते कितने हो भाई? जब आपको यह ध्यान है कि 18 पोषक तत्व चाहिए और आप देते हो 3 या 4, काम चल जाएगा क्या? सिर्फ यूरिया ही दे रहे हैं अपने। तो जब या तो ये बता दो कि वो 17-18 पोषक तत्व वो चीज गलत है कि जरूरत नहीं है, या फिर हम खुद जरूरत से ज्यादा समझदार हैं भाई, हम 1 या 2 या 3 ही पोषक तत्व दे रहे हैं। नहीं, अज्ञानता कहां है कि जानते हैं कि हमें 17-18 पोषक तत्वों की जरूरत है और फिर भी नहीं दे रहे हैं, ये हमारे खुद में कमी है कि नहीं है? इस कमी को दूर कौन करेगा जी? हमें खुद ही दूर करनी है। तो सीखना बहुत ज्यादा जरूरी है, बहुत सारी किताबें, बहुत सारे लिटरेचर, बहुत सारे पंपलेट्स आते हैं, तो इनके माध्यम से आप सीखिए। आज का तो मोबाइल है हर किसी के पास में, सीखने के साधन बहुत ज्यादा है, इंटरनेट का जमाना है, हर कोई सीख सकता है, हर कोई जान सकता है कि नहीं कर सकते आप? ये करना नहीं चाहते। अक्सर बात ये है कि हम किसानों के पास में समय बहुत होता है पर हम लापरवाह बहुत ज्यादा है, आलसी बहुत ज्यादा है। तो इसके लिए आप, और सबसे बड़ी बात तो ये है कि आपके यहाँ पे कृषि विज्ञान केंद्र है, इसका आप सहयोग लीजिएगा। बिना यूरिया डीएपी के, बिना केमिकल फर्टिलाइजर्स के खेती हो सकती है या नहीं हो सकती? करते कौन कौन है? इतने लोग कर रहे हैं, सब लोगों के होती है, पर हमारे अज्ञानता यही है जी। कुछ कृषि के स्टूडेंट बैठे हैं यहाँ पे, एग्रीकल्चर के स्टूडेंट्स बैठे हैं, आप में से ही ये बच्चे होंगे किसी के जो बीएससी एग्रीकल्चर कर रहे हैं, फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर फाइनल के स्टूडेंट्स बैठे हुए हैं। क्या उद्देश्य है आपका इनको एग्रीकल्चर की डिग्री करवाने का? चौकी खेती करें, कभी आपने बच्चों की मदद ली है आपने कि बेटा आप बताइए हमें कि जो आपने ज्ञान लिया है, जो आपने 4 साल डिग्री के लगाए हैं, 2 साल 11वीं 12वीं की है खेती से संबंधित, सचमुच बताइए कि आपने उनसे कुछ सीखा क्या? नहीं सीखे हमें, और उनको डिग्री हम करवा रहे हैं और वो भी खेती बाड़ी से जुड़े। तो ये कमियां है हमारे में। तो हमारा भी मुख्य उद्देश्य है, टेरा एग्रो बायोटेक का भी मुख्य उद्देश्य यही है कि हम जमीन की उर्वरा शक्ति बढ़ाते हैं, जमीन में कार्बन के स्तर को बढ़ाते हैं, बिना केमिकल के खेती के लिए फार्मर्स को जागरूक कर रहे हैं कि वो किसान बिना केमिकल की खेती करें, संतुलित मात्रा में उर्वरकों का प्रयोग करें। खेती जो है वो पानी से होती है क्या? खेती पानी से होती है क्या? पानी से होती है। अगर किसी फसल में आप पूरा पानी भर देते हो तो क्या वो फसल बढ़िया हो सकती है क्या? नहीं होती। तो इसका मतलब यह है कि पानी नहीं चाहिए होता है, पौधे को सिर्फ नमी चाहिए होती है, और वो नमी इतनी मात्रा में होनी चाहिए कि उससे पोषक तत्व घुल के पूरी तरह से फसल को मिल सके, लाभदायक जीवाणु वो एक्टिवेट हो सके, पौधे को पोषक तत्व पूरी मात्रा में करवाए, जड़ों का विकास ज्यादा से ज्यादा करे, वो काम हमें करवाना है। तो वो काम तभी संभव हो पाएगा जब हम जैविक खेती करेंगे, प्राकृतिक खेती की तरफ हम जाएंगे, तभी संभव है। जमीन का जो जैविक कार्बन अभी बता रहे थे डॉक्टर साहब कि इन्होंने बड़ी मेहनत करके 0.5 तक था उसको लेके वो 1 तक आए, बहुत ही सराहनीय कार्य है ये। और ये आपका जैविक कार्बन जिस दिन भी सभी जमीनों का 1 तक भी हो जाएगा तो आपको एक दाना केमिकल यूरिया डीएपी डालने की जरूरत नहीं है, और उससे अलग से फायदे क्या है, खरपतवार भी कम उगते हैं, बीमारियां कम आती है, कीड़े मकोड़े कम लगते हैं, पैदावार ज्यादा मिलती है, कम पानी से फसल पकती है, और उसकी गुणवत्ता है वो बहुत ज्यादा बढ़िया होती है। तो आप सभी किसान भाइयों से निवेदन है कि आप ज्यादा से ज्यादा प्राकृतिक खेती की तरफ चलें, जैविक खेती अपनाएं, लाभदायक जीवाणुओं का प्रयोग करें, और फसलों के जो अवशेष हैं, फसल की पैदावार लेने के बाद जो अवशेष बच जाते हैं, उन अवशेषों का आप प्रयोग अपने खेत में करें, क्योंकि अपने जरूरत की जो चीज थी वो हमें मिल जाती है, बाकी जो भूसा बच जाता है पशुओं को खिलाना है वो रखिए, और भी बहुत सारी फसलें हैं, तो उनका भूसे का भी आप कंपोस्ट खाद बना के खेतों में प्रयोग करें।
तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका कि आप अमूल्य समय निकाल कर यहाँ पे आए और इन बातों पे गौर करें। धन्यवाद।